नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है जय भारत जय हिंद। ये नज़ारा देखिए, ये पूरा वीडियो देखिए, ये राजस्थान का वीडियो है अलविदा नमाज का। अलविदा नमाज में ये पूरा शहर जो है किस तरह से ठप पड़ा हुआ है, जाम पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई पत्थर नहीं बरसाए गए, यहाँ पे कोई पत्थर नहीं बरसाए गए और ना ही इस भीड़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि इस तरह से धार्मिक चीज़ें जो हैं वो सड़कों पे नहीं आनी चाहिए। याद है ना, रामनवमी के मौके पर, चैत्र प्रतिपदा के मौके पर किस तरह से जब राम भक्तों ने एक छोटी सी स्कूटर रैली निकाली थी तो उन पे पत्थर बरसाए गए थे, कार्रवाई भी हुई थी और उनको दोषी भी बनाया गया था। लेकिन ये विजुअल जो है वो बेहद सौहार्दपूर्ण सेकुलरिज्म का जीता जागता तस्वीर है। देखिए, कांग्रेस की तुष्टिकरण का ये जीता जागता नमूना है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। जयपुर की ये विजुअल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस आखिर इस देश में क्या करना चाहती है। अभी हाल ही में रामनवमी के और हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर जिस सरकार ने पत्थर बरसाने वालों पे रहमदिली दिखाई थी और मस्जिदों के बाहर बैंड वादन तक को रोक दिया था, लेकिन जब जुमे की नमाज यानी कि अलविदा नमाज जब पढ़ी गई तो उनके लिए उन्होंने जौहरी बाज़ार में माइक लगवा दिए गए। जबकि इस इलाके में दो हनुमान जी के बड़े बड़े मंदिर हैं, चार पांच अन्य मंदिर भी हैं, लेकिन उन पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं था। यहाँ पे सेकुलरिज्म जो है वो ऐसे ही नज़र आता है कांग्रेस को। हिंदुओं के धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत नहीं हो रही थी, उनको प्रवोक नहीं किया जा रहा था। इंडिविजुअल्स को देख के आप समझ सकते हैं, बस केवल और केवल जुमे की नमाज की जो कि अलविदा नमाज थी उसकी चिंता थी राजस्थान सरकार को, गहलोत सरकार को। जबकि हर गली मोहल्ले में छोटी बड़ी मस्जिदें हैं, ये नमाज वहाँ भी पढ़ी जा सकती थी। रामगंज के बड़ी चौपाड़ का रास्ता तो पिछले 10-15 दिनों से पूर्ण रूप से इनके कब्जे में है, नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पे कोई कानून नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन को केवल हिंदू त्योहारों पे उन्माद नज़र आता है। और जिस गली से ये जौहरी बाज़ार से गुजर रहा था वहाँ सभी दुकानें हिंदुओं की हैं, लेकिन एक भी हिंदू ने इन विजुअल्स को देखकर पत्थर नहीं बरसाए, उनकी धार्मिक भावनाओं में उन्माद नहीं आया, वो उत्तेजित नहीं हुए। ये कैसी सेकुलरिज्म है और ये कैसा सेलेक्टिव धार्मिक भावना को अपना समर्थन देना है, ये आज तक शायद इस देश का हिंदू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके माथे पे कलंक लगा हुआ है कि वो बहुसंख्यक है, वो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और जो इस देश के सनातनी हैं, आर्यन हैं, जो मूल ब्लड हैं, जिनको इंडिजिनस ब्लड कह सकते हैं, उनके ऊपर अत्याचार, उनकी भावनाओं को आहत करना, उनके त्योहारों के रंग खराब करना, शायद यही सेकुलरिज्म है। जय हिंद जय भारत। इस विजुअल को शायद आप टेलीविज़न पे इतने अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, शायद छोटी खबरों में गया होगा या नहीं भी गया होगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि हाँ किस तरह से गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार जो है मुस्लिम परस्ती की राजनीति जहाँ वो छोटी सी सत्ता में बैठी हुई है वहाँ भी करने से बाज नहीं आ रही है और हिंदुओं को गाली देती है। हिंदू और हिंदुत्व से उन्हें परहेज है, उनसे नफरत है उनको, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो मैराथन दौड़ भी शुरू हो जाता है, मंदिरों का टीके भी लग जाते हैं, लाल चुनरी भी पहन ली जाती है और रुद्राक्ष भी पहन लिए जाते हैं, शिव भक्त भी हो जाते हैं और माता के चरणों में अपना श्रद्धा भी अर्पित करने चल पड़ते हैं। ये कैसी सेलेक्टिव श्रद्धा है ये भी समझ के परे है। इस सेलेक्टिव सेकुलरिज्म को लेकर के कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि एक साजिश रची जा रही है इस देश से हिंदुओं को दबा के रखने की, बाहर निकालने की, और कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्ती के नाम पर इस देश के इंडिजिनस ब्लड को खराब करने की, बर्बाद करने की। जय हिंद जय भारत। मिलते रहेंगे,
बातचीत भी होती रहेगी, बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।